नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम खेलने वाले भाई साहब एक डरावनी और हॉरर गेम जो कि हमारे एक पड़ोसी की है। मतलब इस पड़ोसी ने पता नहीं अपने घर में क्या ही करवा रखा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी हम लोग इस गेम को करते हैं स्टार्ट। रेड ब्लू येलो पता नहीं अलग अलग कलर की एक बॉल है भाई साहब। और ये भाई ये देखो एक लड़का दौड़ रहा है अपने जूते पहनकर। भाई साहब जूते पहनकर दौड़ रहा है लड़का। इसने अच्छा मेरे हिसाब से ये बॉल को बॉल को लात मारने जा रहा है। हाँ बॉल को इसने लात ही मारी। मैं पहले इसको पकड़ लूँगा। तेरी भैंस की टांग रुक जा। ये किधर जा रही है भाई? रुक जा तेरी भैंस की टांग। और भाई साहब ये बॉल इधर आ चुकी है। ये किधर आई? मेरे हिसाब से जो सामने वाला घर है ना यही है मेरे हिसाब से। हाँ मेरे को पता था भाई बॉल में जहाँ ये बॉल रुकी भाई उधर ही कुछ ना कुछ हादसा होगा। और भाई इधर को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही सामने। और भाई वो रहा वो देखो अंकल। भाई तो हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, इसमें इससे क्या डरने की जरूरत है। लगता है इसने देख लिया मेरे को, लग रहा है मेरे को इसने देख लिया शायद। और भाई साहब क्या हो रहा है ये अंकल के साथ? और अच्छा ओ भाई साहब ये अंकल तो किसी को अंदर बंद कर रहा है कमरे के। भाई साहब ये अंकल किसी को बंद कर रहा है कमरे के अंदर। देख लिया हम लोग भाग नहीं सकते। ओ भाई साहब पकड़ लिया इसने। अब भाई इसने हमको ही बंद कर दिया क्या? शायद से इसने हमको ही बंद कर दिया है यार। पता नहीं अब बंद किया कि क्या किया इसने, मुझे समझ नहीं आया। ओ भाई साहब इसके घर का ऊपर का छत टूटा हुआ है भाई साहब इसके। और इसने हमको यहाँ पर छोड़ दिया है यार। अभी हमको करना क्या है यार? हम लोग को उस वाले छत पे जो चाबी अभी दिखी है इस वाले छत पे, हमको ये किसी तरह चाबी लेनी है। और भाई साहब इसमें जो बच्चा है ना इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, पूरा बहुत तेज स्पीड है इसकी। तो अभी हम लोग यार क्या करना है, हमको किसी तरह जाना है उधर इस घर के अंदर जाना है, इस वाले कमरे से चाबी लेनी है और जिसमें उसने बंद किया था, और उस वाले गेट खोलना। और भाई साहब सामने अंकल लग रहा है हमको उसने देख लिया। और भाई साहब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं सामान जो हमारे साथ किसी काम के नहीं है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा इसमें। गेम के अंदर मेरे को देखना पड़ेगा मुझे क्या करना है। और अभी हम लोग इधर से चलते हैं। कम ऑन लेट्स गो। ऐसा क्या हो गया? और भाई साहब ये देखो यहाँ से एक खिड़की टूटी हुई है यहाँ पर। हम लोग देख नहीं सकते क्या इसके ऊपर चढ़ के? देखूं नहीं देख सकता यार सब। देख सकता हूँ मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसके ऊपर, ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पे मैंने, और भाई साहब इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा है। और सामने ये रेंच रखा है यार, पता नहीं किस काम आने वाला है। और बाकी अभी हम लोग इधर थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डर लग रहा है यार। और भाई साहब अभी इधर मुझे, और भाई साहब इधर कुछ डब्बे वगैरह पड़े हैं तो हम लोग इसको उठा लेते हैं ना, साथ यही हमारे काम आ जाए। और भाई हमारी पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है अभी। और भाई साहब अंकल ने देख लिया, भागो। ओ भाई साहब क्या वो देख लिया क्या अंकल ने? चला जा तेरा कुत्ता बना दूंगा अंकल, डरता नहीं तेरे से। अंकल से डरने की हमें अभी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को ये इधर कुछ नहीं बोलेगा जब तक हम लोग इधर इस रोड पर हम कुछ नहीं बोलेगा। और हम लोग जब उसके घर के अंदर जाएंगे तो शायद वो हमको कुछ कह सकता है, बाकी पता नहीं कुछ कहेगा कि नहीं। यार कैसे जाना है इसके ऊपर समझ नहीं आ रहा मेरे को। और भाई साहब ये सो गया क्या? नहीं अच्छा अपने घर पे कुछ। ओ भाई साहब ये सो रहा है, देखो सो रहा है अपने घर पे सो रहा है। और सामने भाई इसकी एक कार खड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं यार? गाड़ी नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? और ये इस पर ये तो ओपन नहीं कर सकते। और भाई साहब ये ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ये कुछ की का निशान है भाई, यहाँ तो नहीं रहना, डर लग रहा है। और यहाँ पर एक कुछ, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक कुछ की का निशान है। मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे इसके घर से चाबी ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी अंकल सो रहा है। और भाई उठ भी गया भाई, इतनी जल्दी सो के कैसे उठ गया तू? तो अभी मेरे हिसाब से मुझे कार की ढूंढनी है, कार की मुझे इसके अंदर छानबीन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अभी अंकल मेरे हिसाब से वो गया है। अच्छा ये लॉक है क्या? इसको तोड़ सकते हम लोग?
भागो 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 भाई साहब, हमने ये इसका मतलब शॉर्टकट रास्ता है जो हमने यहाँ पे, भागो 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 भाई साहब, बच गया मैं अभी। और भाई तो मुझे अभी समझ में आ गया है मुझे क्या करना है टोटली। तो अभी मेरे पास दो डब्बे हैं और मेरे हिसाब से मुझे जाने के लिए पूरे 4 डब्बे लेने पड़ेंगे अपने। इसके घर से, इसके घर के पीछे जाना होगा और भाई साहब अभी इसको उठाया और इसको उठा लिया इधर, है ना। और भाई साहब घर 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 घर, भाग 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 भाई साहब, भाग जा, तू कुछ नहीं करेगा मेरा। अरे अभी किधर जा रहा है अभी ये देखेंगे हम लोग, ये किधर जा रहा है अभी। और भाई साहब भी अभी इधर जा रहा है और अभी हम लोग इधर से चलते हैं जल्दी से इधर। और भाई साहब हम लोग इधर आ गए हैं और भाई साहब क्या करना है इस पे। और भाई साहब हमने यहाँ पे ये ले लिया है और भाई साहब हमारे पास खिड़की तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो हम लोग इसको उठा लेते हैं और वापस इधर से जाते हैं वहां पर। ओ भाई साहब ये क्या हो गया यार मेरे से, दैट यार मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग, ओ भाई साहब ये बाहर ही निकल रहा था मगर मैं बच गया किसी तरह। और ये बाहर आ रहा भाई साहब, ये बाहर का आके तो मुझे नहीं पकड़ेगा ना। ओ भाई साहब हम लोग अभी इधर जा सकते कि नहीं, क्या हो गया भाई। और भाई साहब मुझे लगा ये तो मुझे पकड़ लेगा भाई, मगर इसने हमको कुछ भी नहीं किया। तो गाइस ये अभी अंदर नहीं जा रहा है, ये जा, ओ भाई साहब ये इधर चेक कर रहा है। ओ मुझे समझ में आ गया अभी, ये मेरे हिसाब से ना जो मैंने डब्बा फेंका था ये उसकी देखने आई यहाँ कौन था। अभी ये जैसे अंदर गया हम लोग जल्दी जाते हैं अंदर और इसको उठाते हैं। भाई साहब अभी हम लोग, ओ भाई यार ये होगा कि नहीं मेरे से अभी। ओ भाई साहब फिर से आ गए बाहर, अब मेरे हिसाब से फिर देखेगा। अगर हम लोग अभी इसका ये फेंक के मारे तो ये कैसा रहेगा। आ जा जा, तेरी भैंस की टांग पूरा तैयार हूँ। और अभी हमको कुछ बोलने वाला है कि नहीं, भाई साहब मैंने अंकल के फालतू में मार दिया। क्या हो गया, तो कुछ करेगा क्या। अरे भाई साहब उधर ही देखने जा रहा है इधर किसने शोर किया था, मतलब ये जाता थोड़ी देर बाद है तब। और भाई साहब इसने मेरे डब्बा फेंका, कोई नहीं था अंकल कोई नहीं था, मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से इधर से, कोई नहीं था कोई नहीं था, कोई बात नहीं, जाओ जाओ आप अंदर जाओ। तो अभी अंकल मेरे हिसाब से अंदर जा चुका है और अभी हम लोग चलते हैं, इस बार कोई गलती नहीं। अभी हम लोग इधर से उठाते हैं भाई साहब 2 डब्बे और बाकी के डब्बे किधर गए। एक डब्बा ऊपर रखा है, तभी हम लोग एक डब्बा इसके घर के पीछे से लेकर आ जाते हैं। भाई साहब टोटली हमारे पास इधर 3 डब्बे हो चुके हैं और एक डब्बा ये रहा इधर पड़ा था, मैं देखा नहीं। बस अंकल अब बाहर ना यार, क्या हो रहा है यार ये मेरे साथ। और भाई साहब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और भाई साहब हम लोग इसके वापस इधर आ चुके हैं। अभी हमको सामने वाले छत पे जाना है, कोई गलती नहीं। और भाई साहब हम लोग इधर भी आ गए हैं, और भाई साहब नीचे जाने का रास्ता इधर से बंद है मेरे हिसाब से, ये इधर से बंद है रास्ता। और यहाँ पे कुछ लीवर दिया यार, क्या हो गया अंकल ऊपर तो नहीं आएगा ना, कहीं दीवार उवाल तोड़ के आने लग गया हो तो। भाई साहब ये इससे कुछ हो रहा, और यहाँ पर एक ये लीवर से ये देखो, और भाई साहब ये देखो, अच्छा इधर कुछ है। और ये भाई साहब अच्छा इसके अंदर का हम लोग सीन देख सकते क्या हो रहा है अंदर। तो भाई अभी ये जैसे ही ब्लैक स्क्रीन हो जाती भाई साहब शेकिंग होने लग जाता है ना, तो समझो मेरे
अगल बगल है यार अंकल कहीं। अब यार हमको क्या करना है, ये गेट तो खुलेगा नहीं, गेट में लॉक लगा है। और यहाँ पर और ये अंकल यार यार सामने, और यहाँ पर भाई साहब पेंटिंग वगैरह रखी हुई है। समझ नहीं आ रहा यार ये गेट कैसे खोलना, नीचे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। इसको दबाने से ये इधर कुछ अंदर तार जा रही है भाई साहब, अंदर तार जा रही है। और यहाँ पर कुछ किताबें रखी, किताबें भी ले सकते हैं हम लोग। और भाई ये देखो ये किसके दांत है। और भाई साहब ये, ओ भाई साहब ये देखो, मैं इधर दांत देख रहा हूँ और भाई साहब देख रहे हो क्या हुआ, पेंटिंग गिर गई भाई साहब इधर से। एक दरवाजा था तो मैंने देखा ही नहीं है। अरे यार इसके अंदर जाना हमको, और अभी इधर देखते हैं। और भाई साहब ये देखो, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार घर पे। और ये देखो इधर एक चाबी टंगी हुई है, इससे क्या होगा। ओहो समझ गया, मैं समझ गया, अब इस की का कोई काम नहीं। और यहाँ पर कुछ झाड़ू वगैरह रखी हैं, और इस गेट को हम लोग यहाँ से तोड़ दे तो नहीं टूटेगा ना। ये क्या हुआ भाई, यार ये अंकल, एक तो ये नीचे, यहाँ पर स्केटबोर्ड भी पड़ा है यार। ओ भाई साहब यहाँ पे लीवर हो गया है कि बंद। अच्छा ये तो इसकी है भाई, लाइट नहीं जल रही क्या, अभी इसको चालू तो करो। पता नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से, ओ भाई साहब ये देखो मेरे को पता चल गया, यहाँ पे तीन चीज बनी है, एक गैराज की है, एक घर की है, और ये कार बनी। तो ये हमारी कार की और बाकी दो की नहीं है, और जो मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं उसको जो खोलने की कोशिश कर रहा था, जो आगे का बोनट था वो खोलने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं। मतलब इस पंखे से क्या होगा, पंखा तो चल गया वैसे। और अभी अंकल आएगा कि नहीं। और भाई साहब अभी हमें कार की मिल चुकी है, तो अभी देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अभी कार की को यूज करते, इधर खुल गया भाई साहब, खुल गया। और भाई साहब ये क्या है, मैग्नेट। भाई साहब तो अभी हमें यहाँ पर मैग्नेट मिल चुका है, और मैग्नेट का काम होता है जो लोहा है उसको खींचता है भाई साहब अपनी तरफ। तो अब लोग इसको यूज कैसे करेंगे, तो मुझे अभी समझ में आ चुका है इसका यूज कैसे करना है। और मुझे 22 पता चल गया मुझे क्या करना है। और आपको याद होगा कि मैं इस वीडियो में गया था पीछे की साइड, जहाँ पर हमने कुछ सामान देखा था जो कि शायद हमारे काम की थी कि नहीं थी, ये मुझे नहीं पता अब। तो अभी हमारे साथ ये चाबी कोई किसी काम का नहीं, पहले इसको हम फेंक देते हैं इधर। तो हमने अभी इसको उधर फेंक दिया है, इसको फेंकना है इधर, ठीक है। अरे जो चलो भाई साहब पीछे ही अंकल मेरे, भाई हम लोग इधर क्राउच होकर बैठ जाते हैं आराम से, मतलब बैठ जाते हैं इधर नीचे से एकदम मस्त, बस अंकल ना देख पाए यार मेरे को तो ये डर लग रहा है। गया अंकल, अंकल गया। अभी एक एक करके सारा उठाऊंगा मैं। और अभी हम लोग इतने से आ गए हैं, पहले हम लोग अपना जाके इधर से मैग्नेट उठा लेते हैं। ये हमने मैग्नेट उठाया, और अभी हम लोग एकदम आराम से करेंगे। आ गए हैं इसके ऊपर, और अभी हम लोग एकदम आराम से करेंगे। और मैग्नेट आ गया हमारा इधर, और ये एक है, और ये पता नहीं क्या चीज़ है यार। तो अभी हम लोग इसको ले लेते हैं, और ये क्या है, मेरे हिसाब से लॉक पिक जैसा कुछ लग रहा है, और ये लॉक पिक जैसा कुछ है। और मैंने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो सामने वाला गेट है वो खुल नहीं रहा था, जो सिल्वर कलर का था। तो क्या हम लोग इससे उस चीज़ को खोल सकते हैं। तो हम लोग पीछे थोड़ी बहुत छानबीन कर लेते हैं,
अब मेरे हिसाब से हम लोग उसके आगे से हम लोग वहां से नहीं जा सकते, मतलब इस वाले कमरे में। और जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये जो सामने अलग छत है ऊपर से टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ पौड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो दया, हमें यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा इधर से। और इसके लिए मेरे हिसाब से जो सामने रेंच था इस वाले डोर के अंदर है वो हमें लेना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तभी हम लोग इधर से जाते हैं। और भाई साहब अंकल आ गए, वो भाई साहब देख लिया अंकल, देख लिया मेरे को, भागो 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 भागो। और भाई साहब ये क्या फेंक के मारता है मेरे को, अंकल क्या यार, मेरे लास्ट टाइम पे तूने पूरा एकदम प्लान बर्बाद कर दिया, तू जा घर के अंदर यार, और कोई काम नहीं यार बच्चों को पकड़ने के अलावा। अभी वो जा रहा है उधर, अगर ये उधर जा रहा है तो इतनी देर में मैं अपना काम कर सकता हूँ, अगर ये इधर जा रहा है मैं जल्दी से जाता हूँ इधर। और भाई साहब ये क्या हो रहा है, तो भाई साहब ये अभी इधर, और भाई साहब इधर मैंने क्या रखा था, हाँ एक इसे लेना है, तो कैसे लेंगे, ले लिया। यहाँ पर एक क्रोबार भी था, भाई साहब भाग 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 भाग। ओ भाई साहब, तो हमने अभी तक अपना बहुत सफलतापूर्वक अपना काम किया है, घर के अंदर भी वो अंकल भाई साहब बाहर ही घूम रहा है, बाहर ही घूम रहा है। अभी हमारे पास एक क्रोबार है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट है और ये रेंच है और एक क्रोबार है। और मेरे हिसाब से जो पीछे वाली पौड़ी है वो होगी मेरे हिसाब से इस रेंच से खुलेगी, मुझे अभी तक समझ आ चुका है मुझे क्या करना है। पहले देखें अंकल किधर जा रहा है, अंकल अभी अपने सही रास्ते पे जा रहा है, अभी हम लोग अपना काम करते हैं जल्दी जल्दी। और भाई साहब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हाँ ये देखो इधर किधर था ये रहा, हाँ ये देखो भाई साहब गेट खुल चुका है और यहाँ पे हम लोग भाई साहब छत पर पहुँच चुके हैं। और देखो आराम से, और भाई साहब ये देखो ये कमरा है जिस पर इधर कूदते एकदम आराम से, भाई साहब पूरा क्रिस हो गया लौंडा। और इसके अंदर कुछ है इसको, और यहाँ पर कुछ टोपी पड़ी है, यार मेरी टोपी है क्या, शायद गिर गया उधर, क्या पड़ा ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई खिलौना है। और यहाँ पर कुछ बॉल वगैरह पड़ी हुई हैं और एक गेट, और ये देखो यहाँ पर भी कुछ हो सकता है भाई साहब, कुछ नहीं है यार, बंद रहा यार कुछ से बढ़िया तो। अभी हम लोग को इसका कोई काम नहीं है, क्रोबार का काम हो सकता है भाई, क्रोबार नहीं फेंकना, क्रोबार यार क्रोबार फालतू में फेंक देंगे। और मेरे हिसाब से इसका कोई काम नहीं है अभी तक। और हमें ये मिल चुका है, इसे क्या बोलते हैं, चाबी। और भाई साहब हमारा काम हो चुका है आधा, अब हमें क्या करना है, गेट खुल गया, ये भी हमने गेट खोल दिया था लास्ट टाइम। भाई साहब हमें कुछ नहीं करना है, अब जाके सीधा वो वाला गेट खोलना है भाई साहब, तो लेट्स गो, अभी हम लोग खोलते हैं सामने वाला गेट। देखो पहले अभी चाबी हमने ले ली है भाई साहब, अभी यार वो है किधर, बस ये अंकल से डर लगता है यार, कहीं अचानक से आ गया सामने तो मेरे क्या होगा मेरा। भाई देख लिया क्या, ओ भाई साहब ये घर से अभी निकला है, अभी ये बाहर जाएगा जैसे ही ना, क्या हो गया यार, किधर जा रहा है ये अंकल, ये कमरे के अंदर एंटर हुआ और ये जा रहा है इधर मेरे हिसाब से बाथरूम, हाँ अभी बाथरूम जा रहा है। और जैसे ही बाथरूम जाएगा वैसे ही जाके मैं जल्दी से गेट खोलता हूँ। तो भाई साहब हम लोग अभी जा चुके हैं अगले गेट पे, तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।